दोस्तों अभी दो दिन पहले मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी के साथ ये शेयर किया था कि किस तरीके से मैंने अपने इस HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को रुपए क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट करवाया है, क्या पूरा प्रोसेस है, अप्लाई प्रोसेस आपको विद प्रूफ जो है उस वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था। अभी ये क्रेडिट कार्ड मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। ये है HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। आप इसके लास्ट में जो है लोगो देख सकते हैं, जो है मास्टर कार्ड वेरियंट। इसी क्रेडिट कार्ड को जो है अप्लाई करके मैंने उस वीडियो के अंदर दिखाया था। आप लोगों ने जो उस वीडियो को काफी पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि काफी नॉलेजफुल वाली वो वीडियो थी। अब उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल आ रहे हैं कि ये तो बात ठीक है, आपने बता दिया कि HDFC बैंक के अंदर आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए क्रेडिट कार्ड वेरियंट में कैसे चेंज करवाओगे, लेकिन कुछ लोगों के पास जो है ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड है, अब उस क्रेडिट कार्ड को आप जो है कैसे रुपए क्रेडिट कार्ड वेरियंट में चेंज करवाओगे, इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आइए। तो आज की ये वीडियो है आप सभी के लिए डेडिकेट होने वाली है। अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप उसको किस तरीके से रुपए क्रेडिट कार्ड में जो है कन्वर्ट करवा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, आज इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी ICICI बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर मैं ये क्रेडिट कार्ड आपको दिखा देता हूँ। क्रेडिट कार्ड है ICICI बैंक का कोरल क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट है 7001 और इस क्रेडिट कार्ड का जो वेरियंट है वो आप देख सकते हैं, यह है वीजा क्रेडिट कार्ड वेरियंट। अब इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं इस क्रेडिट कार्ड को जो है रुपए क्रेडिट कार्ड वेरिएंट में कन्वर्ट कराऊंगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। अब आप में से बहुत सारे भाई ये सोचेंगे कि मैं अपने इस क्रेडिट कार्ड को रुपए क्रेडिट कार्ड में क्यों चेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को जो है मास्टर कार्ड से रुपए वेरिएंट में जो है चेंज करवाने की एप्लीकेशन दे चुका हूँ। तो इसके दो बड़े रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट जो है काफी कम है, यानी 40,000 से 50,000 रुपए उसकी लिमिट है। वहीं इस क्रेडिट कार्ड की अगर लिमिट की बात करें तो इसकी लिमिट है 3,10,000 रुपए। दूसरा रीजन ये है कि अगर मुझे कोई बड़ी ट्रांजेक्शन करनी है QR कोड स्कैन कर तो फिर ये क्रेडिट कार्ड वहां पर काम आएगा। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से वो मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊंगा, और दोनों ही अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं, तो इसलिए मैं इस क्रेडिट कार्ड को भी जो है रुपए क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट करवाने वाला हूं। रुपए क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट तो आपको पता ही है कि आप जो है उसको कहीं भी जो एप्लीकेशन है पेटीएम, फोन पे या फिर जीपे या भीम जो एप्लीकेशन है वहां पर ऐड कर कहीं भी जो QR कोड है उसको स्कैन कर पेमेंट कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर। अपने क्रेडिट कार्ड को हमेशा फिजिकली लेकर चलना जरूरी नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का वेरिएंट चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। अब ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि वो ऑफलाइन इसको कन्वर्ट करेगा कि ऑनलाइन करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ऑनलाइन, क्या हम ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड को जो वेरिएंट है उसको चेंज करवाना चाहे रुपए में तो क्या ऑनलाइन करवा पाएंगे। अब इसके लिए मैंने जो है कस्टमर केयर में कॉल किया, उनसे बातचीत की। अब आगे जो आप बातचीत सुनने वाले हैं वो मेरे और कस्टमर केयर के बीच की बात है, आप उसको सुनिए। प्रिय ग्राहक, आपकी सुविधा के लिए हमने प्रस्तुत किया है एक वॉइस असिस्टेंट। कृपया कुछ ही शब्दों में हमें बताएं कि हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। कस्टमर केयर से बात करनी है। प्रिय ग्राहक, कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपकी कॉल हमारे कस्टमर सर्विस एसोसिएट को ट्रांसफर कर रहे हैं। यह कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा सकता है। मेरे पास ना कोरल ICICI का क्रेडिट कार्ड है जो अभी वीजा वेरिएंट में है मेरे पास। जी सर, मुझे ना ये रुपए वेरिएंट में चाहिए कन्वर्ट करवाना। मुझे रुपए वेरिएंट में कन्वर्ट कराने के लिए सर आपको नियरेस्ट ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आपने सुना कि कस्टमर केयर ने ये कहा है कि ICICI बैंक के अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड का अगर वेरिएंट चेंज करवाना चाहते हो तो आप जो है कस्टमर केयर में कॉल कर इसकी रिक्वेस्ट जो है नहीं दे सकते। इसके बाद हमने कस्टमर केयर से और कुछ सवाल किए, आगे ही जो रिकॉर्डिंग आप सुनने वाले हैं वो भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो क्या प्रोसेस रहता है बता सकते हैं? ब्रांच आप विजिट कर लीजिए, वो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी चाहिए साथ में, ये तो बता सकते हैं आप? तो आप अपनी जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, फोटो आईडी प्रूफ आप कैरी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने सीखा कि आप ICICI बैंक के अंदर ऑनलाइन कस्टमर केयर को कॉल कर अपने क्रेडिट कार्ड का जो वेरियंट है रुपए क्रेडिट कार्ड वेरियंट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। इसके लिए आपको जो है नियरेस्ट ICICI बैंक की ब्रांच जाना होगा और साथ में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी जो कुछ फोटो
वो लेके जानी होगी और बैंक ब्रांच में जाकर आपको ये जो है अप्लाई करना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी जानकारी आपके काम आएगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी बात पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो मेरे भाइयों प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को जो है 5 गुना यानी 5 times इंक्रीज करना चाहते हो तो वीडियो लिंक यहाँ पर मिलने वाला है, इस वीडियो को भी जो है जरूर देख लीजिएगा।